आज पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास का दूजा दिन आज जीएसटी समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पास। आज चंडीगढ़ में होंगे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह रेड क्रॉस इन्फोसिस सराह का रखेंगे नींह पत्थर जीएमसीएच दे सिल्वर जुबली समागम विच करेंगे शिरकत। आज पूरे दिन पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे सरगर्म संगरूर विच करेंगे कॉफी विद कैप्टन तां पटियाला विच करेंगे हल्के विच कैप्टन। आज खन्ना विच होंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर परिवर्तन यात्रा प्रोग्राम राही खन्ना विच मिलेंगे वॉलंटियर्स दे नाल नाल ही करेंगे राय मशवरा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से निशाने लाते हुए कहा नाम बड़े और दर्शन छोटे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ यस मैन पसंद है। कांग्रेस से भी सिद्धू ने लाया निशाना। आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जान के अमृतसर श्री दरबार साहब विच टेकणगे मत्था। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक अज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे कैबिनेट बैठक की अगुवाई। बैठक में कई अहम मामलों से हो सकता फैसला। अज कश्मीर विच सुरक्षा के हालातों का जायजा लैण लई जाणगे फौज मुखी जनरल दलबीर सिंह सुहाग। सरहद दे नाल सटे हुए इलाकों की सुरक्षा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से घाटी विच घुसपैठ रोकने दी कोशिशों की करेंगे समीक्षा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ तुहाडे नाल शमित चौधरी। खबरां की शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर। पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास का अज है दूजा दिन। पहले दिन विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दे के कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, पर हुण अज जिथे दूजे दिन जी एस टी समेत कई अहम बिल पास हो सकते हैं उत्थे विरोधी धिर वल्लों सूबा सरकार नूं घेरन की कोशिश की जा सकती है। पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास का वीरवार को आगाज होया। इजलास के पहले दिन विछड़ी रूहां नूं श्रद्धांजलि दी गई। इस तो बाद विरोधी धिर अते सरकार विचाले बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई, जिस विच विरोधी धिर वल्लों मानसून इजलास नूं वधाउण की मंग की गई, पर इस ते सहमति नहीं बन सकी। असीं इन्हां नूं कहा कि मजाक है, दो दिन ये रह गए, फिर तीन छुट्टियां आ गईं, दो दिन फिर रह गए है, चार दिनों के विच आपां इन्ने वड्डे मसले है, नशियां का मामला है, खुदकशियां का मामला है, किसानों का मामला है, कि इन्हां लई घट्टो घट्ट तुसीं कुछ दिन दो तीन दिन तो वधाओ सैशन। वन थिंग आई कैन से कि पहले छुट्टी सीगी 12 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुट्टी कर दी 13 की, इस करके असी भी 12 का वर्किंग डे कर दिता। बाकी जो हाउस है वो जो भी मतियान ने जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस आएगा सब तैयारी करके आओ, हाजिर रहो और पूरी तरह पार्टिसिपेट करो। बादल सरकार दे दूजे कार्यकाल दा ए आखिरला इजलास है। विरोधी धिर ने कांग्रेस को घेरन लई मुद्दियां दी फेरिस्त तैयार की हुई है, तो सरकार दा कहना है कि वो जवाब लई तैयार है। आखिरला इजलास होण करके पंजाब दी विधानसभा विच सियासी पार्टियां दोवें ही विरोधी धिर अते सरकार अपनी सियासी ताकत विखाउण विच कोई भी कसर नहीं छड्डेगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ते वड्डा हमला करते हुए कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल नूं सिर्फ यस मैन पसंद ने, ते इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी दा लड़ नहीं फड़े। सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कुछ इसी शायराना अंदाज विच अरविंद केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू दे निशाने उत्ते रहे। सिद्धू ने चंडीगढ़ विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दौरान केजरीवाल दे नाल होई गलबात दे बारे विच दस्या। सिद्धू ने दावा किया कि केजरीवाल सिर्फ अद्धा सच दस रहे ने अते उन्हां नूं सिर्फ स्टार कैंपेनर दे तौर उत्ते प्रचार ते लई इस्तेमाल करन दी मंशा सी। केजरीवाल साहब ने अद्धा सच बोलिया, पूरा मैं करदा। जदों भी मैं उन्हां नूं मिलिया इक्को गल ते सी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਲੀ ਕੋ ਲੜਾ ਦੋ, ਹਮ ਉਸਕੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਮੰਨੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਓਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 42 ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਗੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਟੇਕ 15 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਨਵੇ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਿਰਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਰਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਓ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਤੇ ਕੁਆਂਟਲ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਲਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਰਿੰਜਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰੰਟ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਝਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4th ਫਰੰਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੌਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਜ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
कांग्रेस आगू मनप्रीत बादल सिद्धू नूं नसीहत दे रहे ने कि जित जां हार नालों एजेंडे ते पंजाब होना चाहिए। पता नहीं कितने फ्रंट आने जी, देखो हर एक का हक है जो मर्जी करे, मैं उसते तबसरा नहीं करना चाहता। किसी भी व्यक्ति को जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता पार्टी बना सकता है, उनको उनकी पार्टी मुबारक और हमारी तरफ से बधाई, जनता का अच्छा काम करें। सो मैं तो इसका स्वागत करना है, सिद्धू साहब नाल मेरिया नेक ख्वाहिशात है, पर फैसला अखीर पंजाब की आवाम ने करना है। क्योंकि मैं सिद्धू साहब नूं कहना चाहवांगा थोड़े काले कैमरे के जरिए कि कल्ला पंजाब नूं बचाउणा नहीं, इनू चलाउणा भी है। ये अच्छे आदमी हैं, मैं इनकी कभी निंदा नहीं की। पंजाब के भले के लिए जो भी काम करेगा, उनकी आज पंजाब को बहुत लोड़ है। रीबर्थ दिया है जिन लोगों ने, मेरे को नया जन्म दिया है, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा। आवाजी पंजाब फ्रंट पंजाब के सियासी तरातल से पैर पसारन के जुगाड़ च है, पर इस नवे उभरे रकीब नूं लैके सियासी गर्मा गर्मी है। आपसी कलेष उलझी आम आदमी पार्टी तो बाद हुण इह नवा फ्रंट विरोधी धिरां दे खास निशाने ते है। चंडीगढ़ तो जगतार भुल्लर दे नाल गोबिंद सैणी, जी मीडिया बठिंडा। पंजाब की चार दिन की फेरी से गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पिया। दिल्ली तो रवाना होने तो पहला औरतों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो लुधियाना पहुंचने पर अकाली दल ते कांग्रेस के वर्करों वालों केजरीवाल खिलाफ नारेबाजी की गई। दिल्ली तो लुधियाना तक दियां यह तस्वीरां दसण दे लई काफी ने कि आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर दी पंजाब फेरी अते आम आदमी पार्टी दी पंजाब विधानसभा चोणां दी राह आसान नहीं होवेगी। चार दिनों की पंजाब फेरी दे लई दिल्ली तो रवाना होण दे लई अरविंद केजरीवाल नवीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो उन्हां नूं महिलावां दे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना करना पिया। औरतां वल्लों केजरीवाल दे खिलाफ नारेबाजी की गई अते उन्हां नूं चूड़ियां भी विखाईआं गईआं। दूजे पासे केजरीवाल जदों शताब्दी ट्रेन राही लुधियाना रेलवे स्टेशन ते उतरे तां तस्वीरां उत्थे भी वख नहीं सी। लुधियाना रेलवे स्टेशन ते अकाली दल अते कांग्रेस दे वर्करां वल्लों केजरीवाल ते औरतां दी सुरक्षा ना कर सकण दा इल्जाम लगाया गया अते विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल विदेशी ताकतां नाल मिल के पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने। उससे महिलाओं का शोषण कर रहे हैं ये लोग। मूलभूत सुविधा है राशन कार्ड, एक राशन कार्ड देने की खातिर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पंजाब सरकार भी मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंडिंग हो रही है। हम इस बात की जांच करवाने की मांग करते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग हो रही है पंजाब का माहौल खराब करने के लिए, पंजाब के अमन चैन को खराब करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गो बैक, अरविंद केजरीवाल तुमने दिल्ली का माहौल खराब किया है, अब पंजाब के शांत में माहौल को खराब मत करो। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं पंजाब कन्वीनर दे अहुदे तों हटाउण दिल्ली च आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप कुमार के सामने आए सैक्स स्कैंडल अते टिकटां दी वंड नूं लैके लग रहे पंजाब च इल्जामां च घिरी आम आदमी पार्टी की मुश्किल वधदी नजर आ रही है। इन्हां इल्जामां का असर केजरीवाल की पंजाब फेरी से भी पैंदा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे ते हुए विरोध प्रदर्शन ते सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने वड्डा बयान दिता। छोटेपुर ने इस नूं केजरीवाल के दोगले रवैये का ही नतीजा दसिया। उधर अकाली दल ते कांग्रेस ने भी किया कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सियासत नूं शर्मसार किया है। दिल्ली तो लैके पंजाब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुस्से दी इन तस्वीरां दे सामने आने तो बाद हुण इस ते सख्त सियासी बयान भी आने शुरू हो गए ने। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इस नूं केजरीवाल दी दोगली सियासत दा नतीजा दस्या है। महिलाओं ने अच्छा स्वागत किया है,
दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी, और जब पंजाब में आए हैं तो उधर भी लुधियाना स्टेशन में लेडीज़ ने अच्छा उनका स्वागत किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको एक बात करनी चाहिए, जो उनके अपने प्रिय होते हैं वो जितनी बड़ी वर्जी बड़ी बात कर जाएं, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सियासत नु शर्मसार कर दिता है। उधर बीजेपी दे नाल कांग्रेस ने भी आप दे सेक्स स्कैंडल दे मामले दे विच अरविंद केजरीवाल ते सियासी हमला किया। पंजाब होर तरह दी स्टेट है, इत्थे इस तरह दा मेरे ख्याल हिस्ट्री च कदी नहीं होया कि पोलिटिकल आदमियां ते इह जिहियां लानतां लगन। इह बहुत शर्मनाक है, और पोलिटिकल बंदे गलती करदा लेकिन बदनाम सारे हो जांदे, इहदा बड़ा अफसोस है। इह अपने आप च संदेश है कि हुण ना तां दिल्ली दी जनता उहनां नूं पसंद नहीं करदी, और खास करके महिलावां दा जिस तरह उहनां विच उहनां दे शोषण होया उस नूं लैके, और एक जिहड़ा उन्होंने बहुत कहा सी कि असीं भ्रिष्टाचार खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े उल्टे सीधे वादे किए सी, और लोगों नूं लुभावने जिहड़े सबज बाग दिखाए सी, उन्हां सारयां चों बुरी तरह फेल होया। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੰਜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल दी पंजाब फेरी दी शुरुआत है। विरोध दियां तस्वीरां तों अंदाजा लाया जा सकदा है कि केजरीवाल दे लई पंजाब दे विच आउण वाले तीन दिन किवें दे रहण वाले ने। विरोधी धिर अरविंद केजरीवाल नूं घेरन दा कोई मौका नहीं छड्डेगी। सिर्फ विरोधी धिर ही नहीं, आप दे बाकी आगू भी केजरीवाल दी दोगली सियासत नूं लै के उहनां दे सियासी वार कर रहे ने। चंडीगढ़ तो जगतार पुल्लर, बठिंडा तो गोबिंद सैनी दे नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर जिथे दिल्ली के नाल पंजाब विच लोगों के विरोध का सामना करना पिया, उत्थे ही उन्होंने अपने ही विधायक देवेंद्र सहरावत ने भी मुड़ अरविंद केजरीवाल से हमला किया। सहरावत ने कहा कि पंजाब विच औरतों के शोषण बारे संजय सिंह नूं जानकारी सी, पर फिर भी केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय सिंह की मानहानि की चुनौती नूं भी सहरावत ने स्वीकार किया है, तो इस दे नाल ही उसने केजरीवाल के मंत्रियों से, उन्होंने केजरीवाल के मंत्रियों से लाइफ स्टाइल से भी तंज कसया। उन्होंने खास गलबात की साढ़े पत्रकार पुनीत परिंजा ने। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के विधायक देवेंद्र सहरावत, उनसे बात करते हैं। सर, आपने अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है, क्या है उसमें पूरा? पंजाब की मैंने बात करी थी, तो पंजाब में जो एक्स कन्वीनर हैं फिरोजपुर की, अमनदीप कौर, उन्होंने कहा है कि 53 महिलाओं का शोषण हुआ है, और ये पंजाब महिला आयोग में रिपोर्ट दर्ज करी है। एक पंजाब के एक और भी सामने आता है, एक ऑब्जर्वर है विजय चौहान, उनके ऊपर भी एलिगेशन। हाँ जी, ये विजय चौहान जो हैं ये ऑब्जर्वर हैं, और इनके ऊपर भी ये बात आई है कि ये अपनी कामवाली के साथ उन्होंने शोषण किया, ऑडियो सोशल आया है। ये सारी बातें दुर्गेश और संजय सिंह के पास गई है, रिपोर्ट हुई है, सबने कहा है, यानी कि उनको इन सारी बातों का उनको पता था कि इस तरह की हरकतें जो है पार्टी के अंदर हो रही हैं। हाँ, सारी सूचना उनको गई है, लेकिन उन्होंने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आवाज उठाने पर खुद अरविंद केजरीवाल मुझे कहते कर्नल तो पागल है, कर्नल तो पागल है कहते। अरे भाई, आपने 2 साल में भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, आप इतने तेज हैं तो आपको तो हम पागल ही लगेंगे। भाभी जी जो हैं वो स्विट्जरलैंड से शॉपिंग करके आती, मनीष सिसोदिया का परिवार, गोपाल राय का परिवार जो है, उनके भाई बंधु सबने जो है खूब प्रगति करी है। मंत्री जी जो हैं, संदीप कुमार जिनका वीडियो निकला था, ये मंत्री जी इनका टोटल एफिडेविट में एसेट्स हैं 13 लाख, और ये अपनी पत्नी को 3 बार इंग्लैंड लेकर गए यूएसए में, और वहां पर बच्चे का जो है बर्थ करवाया, उनको जो है ग्रीन कार्ड दिलवाने के लिए। आम आदमी पार्टी पंजाब की महिला विंग है, उन्होंने महिला आयोग को एक चैट लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहरावत साहब जिन्होंने महिला शोषण का मुद्दा उठाया था, उन्होंने पंजाब की औरतों का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई। कहां से कौन सा लॉजिक बनता है कि उन्होंने
पंजाब की महिलाओं का जो है उनकी बदनामी कर दी। मैं तो उनका भाई हूं। संजय सिंह ने आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है, तो मैं तो यही कहूंगा, सबूत नहीं है उनके पास। हाँ, मैं तो ये कह रहा, बहुत देर हुई नंदलाला, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो। देर किस बात की, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है। शहरावत साहब, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की है कि दिल्ली सरकार आंकड़े जारी करे कि जो महिलाओं के खिलाफ शोषण हुआ है वो कितना शोषण के जो है मामले सामने आए हैं पंजाब से और दिल्ली से, और उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जयवीर कावत के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, पंचकुला। संदीप कुमार दे बचाव विच विवादित ब्लॉग लिखण वाले आम आदमी पार्टी दे आगू आशुतोष दिल्ली विच कौमी महिला कमिशन दे सामने पेश होए ते आम आदमी पार्टी दे आगू आशुतोष ने इस तो पहला कौमी महिला कमिशन दी प्रधान ललिता कुमार मंगलम दे बीजेपी नाल जुड़े होण दा इल्जाम लाया सी। आशुतोष सवेरे करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय महिला कमीशन के दफ्तर पहुंचे, नोटिस का जवाब दिता। बाहर निकल तो बाद आशुतोष ने कौमी महिला कमीशन के नोटिस एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन दसिया, कहा कि जेकर कुछ भी गलत किया तो फांसी से चढ़ा दो। मेरे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। He said you cannot threaten me into making saying what you want me to say. तो मुझे उनको कहना पड़ा कि देखिए हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपका कंसेंट की जरूरत है, अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं प्रश्न पूछूंगी नहीं। 2 सितंबर नु आप आगू आशुतोष ने ब्लॉग विच दिल्ली साबका मंत्री संदीप कुमार दा बचा कीता सी। आशुतोष ने ब्लॉग च लिखा सी कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी ते अटल बिहारी वाजपेयी नाल जुड़े कई विवादित तर्क दिते सन। ब्लॉग नु लेके आशुतोष के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद के थाणियां च शिकायत दर्ज की गई है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस वालों बठिंडा विच विशाल धरना दिता गया। इस धरने विच कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मौजूद रही, तो इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस हुण इस संघर्ष नूं अंजाम तक पहुंचा के रहेगी। पंजाब कांग्रेस किसानी मुद्दे नूं लैके हमलावर है ते किसानां दी कर्ज माफी दे मुद्दे ते हाकम धिर नूं घेर रही है। बठिंडा च सीनियर आगुआं दी मौजूदगी च धरने दौरान पंजाब कांग्रेस मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानां नूं कर्ज मुक्त करवाउण दे लई अपने संघर्ष नूं अंजाम तक पहुंचाउण दा तहिया कर चुकी है ते किसानी मुद्दियां ते पार्टी दा संघर्ष जारी रहेगा। उधर हाकम धिर नूं कांग्रेस दा है किसान प्रेम पसंद नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कैप्टन तो अपनी वजारत वेले किते किसान पक्षी कामां दा हिसाब मंग रहे ने, तां बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। ए वादे भी इलेक्शन वोटां लै लो मगरों 5 साल जो मर्जी करो, पुराना रिकॉर्ड हर पार्टी दा वेखण वाला है कि इन्हां ने की कीता। पिछले जदों अमरिंदर सिंह होरी सी असीं ट्यूबवैलां दे कनैक्शन दा खर्चा नहीं लैंदे सां, ट्यूबवैल दा इन्हें आके लाए, जे उही ये बर्दाश्त नहीं कर सके होर की होणा। इहनूं भी दबे, तुसीं देखिआ हुण 3 दिन पहलां दलित समाज दी उहनां दी इक रैली उहनां ने करन दी कोशिश कीती है, और किस तरह उन्होंने दलित समाज नूं तार तार कीता है, और उन्होंने ही आपस में लड़ा के बरादरीवाद के नाम उत्ते लड़ा के एक समाज नूं तोड़न की कोशिश की। सूबे च किसानी एक वड्डा वोट बैंक है अते इसका किसी भी धिर वल उलार सियासी समीकरण किस हद तक बदल सकता है इस तो हर कोई वाकफ है। सो हर कोई आपो अपनिया दलीलों जरिए अपने तर्क दे रहा है। चंडीगढ़ तो जगतार भुल्लर दे नाल गोबिंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच कश्मीर की आज़ादी की हिमायत करते विवादित पोस्टरां दे मुद्दे ते वीरवार नूं भी हालात उस वेले तनावपूर्ण हो गया जदों विद्यार्थी जत्थेबंदियां एक दूजे खिलाफ मुजाहरे करन लगियां, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विद्यार्थियों के गुस्से नूं शांत करवा लिया। पटियाला विच विद्यार्थी जत्थेबंदियां दरमियान पोस्टर विवाद गरमाउंदा जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी की पैरवाई करते
पोस्टर नु लेके एबीवीपी ने जम के रोस मुजहरा किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों बेशक पंजाब स्टूडेंट यूनियन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन नाल मीटिंग करके उन्होंने मार्च ना कढ़न लई मना लिया गया, पर माहौल उस वेले तनावपूर्ण हो गया जदों कुछ कारकुनां ने यूनिवर्सिटी के अंदर वड़न की कोशिश की। उन्होंने पोस्टर लाने वाले खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। हम यहाँ प्रशासन को मिल रहे हैं और बच्चों को संदेश देने के लिए आए हैं कि आपको खुद खड़ा होना होगा ऐसी गलत ताकतों के खिलाफ, यहाँ का युवा को खुद खड़ा होना होगा यहाँ की गलत ताकतों के खिलाफ। उधर पंजाब स्टूडेंट यूनियन वालों भी कालियां पट्टियां बन के रोस मुजहरा किया गया। जिक्र खास है कि पिछले दिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच पोस्टर लगन की खबर तो बाद हंगामा खड़ा हो गया सी ते एबीवीपी नाल जुड़े विद्यार्थियों ने यह पोस्टर फाड़ दिते सन। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। अज पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास का दूजा दिन, जीएसटी समेत कई अहम बिल हो सकते ने पास। अज चंडीगढ़ में होंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रेडक्रॉस इंफोसिस सरां रखेंगे नींह पत्थर, जीएमसीएच के सिल्वर जुबली समागम करेंगे शिरकत। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से वड्डा हमला करते हुए किया, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल नूं सिर्फ यस मैन पसंद है, पंजाब की सियासत में चौथे फ्रंट वजों दस्तक दे रहे नवजोत सिंह सिद्धू प्रगट सिंह ते बैंस भरा अच मीडिया कल मीडिया दे मुखातिब हुए। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी नूं ईस्ट इंडिया कंपनी दसदियां कहा कि इन्हां दा मकसद सिर्फ अपनी अजीबा भरना है। इस दे नाल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी विच जाण बारे पक्षियां अपनिया क्यास राइया बारे भी खुल के गल कही। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उन्होंने सिर्फ डेकोरेटिव पीस बना के रखना चाहती थी। हालांकि आवाज़े पंजाब के आगू ने नवी पार्टी बारे अपने पत्ते नहीं खोले तो दावा जरूर किया कि अगले 15 दिनों में वो पार्टी का ऐलान कर देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नूं भी सीधे हथीं उन्होंने लिया ते उन्होंने खास तौर पर निशाने ते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सिद्धू ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस पंजाब की अगुवाई दे योग नहीं है ते इस दौरान उन्होंने मरहूम कांग्रेसी आगू प्रताप सिंह कैरों का जिक्र करदिया कैप्टन ते निशाने लाए। उधर बलविंदर सिंह बैंस ने कहा कि सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर उन्होंने जुड़ना चाहन तो उन्होंने खुला सद्दा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को वन मैन आर्मी समझते हैं जबकि सबनों नाल लेके चलना चाहिए है। सिद्धू वालों बनाए गए फ्रंट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अजिहे फ्रंट बनते रहते हैं जबकि पंजाब बीजेपी के इंचार्ज प्रभात चार सिद्धू नवे फ्रंट लिए गुड लक कह रहे हैं। कांग्रेस आगू मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि वह नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी सरगर्मी का स्वागत करते हैं पर इतने मकसद जित जां हार का नहीं बल्कि पंजाब नूं बचाना है। इस दे नाल उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विच मौजूदा चल रहे जिहड़े हालात ने उस नाल आम आदमी पार्टी वल चुके पंजाबी निराश होए ने। अच्छा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाण के अमृतसर श्री दरबार साहब मत्था टेकणगे। चार दिन के पंजाब दौरे से केजरीवाल पहुंचे लुधियाना स्टेशन के उत्तर ही अकाली दल से कांग्रेस के वर्करा ने विखाए काले झंडे। दिल्ली रेलवे स्टेशन तो रवाना होने तो पहला औरतों के विरोध का करना पिया सामना, औरतों ने विखाइया चूड़िया। देवेंद्र सहरावत का मुड़ अरविंद केजरीवाल से हमला किया, पंजाब में औरतों के शोषण बारे संजय सिंह ने भी सी जानकारी पर फिर भी केजरीवाल ने की कार्रवाई। संजय सिंह की माणहानि की चुनौती उन्होंने स्वीकारिया ते केजरीवाल के मंत्रियों के लाइफ स्टाइल से उन्होंने तंज कसिया। अज खन्ना विच होंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर परिवर्तन यात्रा प्रोग्राम राही खन्ना विच मिलणगे वॉलंटियर्स के नाल ते करणगे राय शुमारी। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा पहुंची रोपड़, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने किया संबोधन, अरविंद केजरीवाल से लाया निशाना। केजरीवाल के विरोध में हुए प्रदर्शन से बोले छोटेपुर, पंजाब में हूँ केजरीवाल इसी तरह होगा उनका स्वागत। दिल्ली हाई कोर्ट तो दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने 21 CPSC नियुक्तियां कीतियां रद्द।
हरियाणा में CPS नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार तो पूछा केस कानून तहत बनाई गई है पोस्ट। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर तक टली। पंजाब विधानसभा के मानसून इजलास का होया आगाज, 15 लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुलतवी की गई कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने बुलाई अकाली दल से बीजेपी विधायकों की बैठक। आज पूरे दिन पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह रैन की सरगर्म, संगरूर विच करनगे कॉफी विद कैप्टन, पटियाला विच करनगे हल्के विच कैप्टन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बठिंडा विच कीता किसानों के हक विच प्रदर्शन, किसानों के हक विच लिखे जा रहे इस प्रदर्शन विच कांग्रेस सीनियर आगू पहुंचे थे। इस तो पहला भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि किसानों के कर्ज माफी तक कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। किसानों के हक विच कांग्रेस के प्रदर्शन से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सवाल किया कि वह दसण कि उन्होंने किसानों लिए की किया, जबकि बीजेपी ने कैप्टन को दलितों के मुद्दे से घेरिया। पंजाब के समाजिक ते राजनीतिक मसलों का हल करने लिए यूनाइटेड अकाली दल वालों 9 सितंबर को प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो अज ही यह प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यूनाइटेड अकाली दल के प्रधान भाई मोहकम सिंह मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में उस सब सिख जथेबंधियों को सदा दिता जाएगा कि वह इकट्ठी होकर नशे बेरोजगारी का हल कर सक। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक अज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे कैबिनेट की बैठक की अगुवाई, बैठक में कई अहम मसलों से होगा फैसला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे जिथे उन्होंने राज मंत्री मनीष ग्रोवर की माता सीता देवी को श्रद्धांजलि भेंट की। बीमारी की वजह करके 94 वर्या सीता देवी का देहांत होया। इस मौके भाजपा सूबा मुखी सुभाष बराला, खेतीबाड़ी मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी सादगी लिए जाने जाते हैं, तो आज भी इसकी एक उदाहरण देखने को मिली। रोहतक जाते वेले रास्ते में मुख्यमंत्री ने एक ठेले से केले खाते। मुख्यमंत्री दे फेज 11 में आधुनिक फूट मंडी में नियुक्ति पत्र दिते जाने लेके विशेष प्रोग्राम होया, जिथे मुख मेहमान वजों सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने 4500 ईटीटी अध्यापकों नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू के रजौरी में पशु तस्करी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फुट पिया। स्थानक लोगों का इल्जाम है कि प्रशासन के भरोसे के बावजूद पशु तस्करी का खेल जारी है। तस्वीर जम्मू के रजौरी दी ने, जिथे चिगास नारिया इलाके गुस्से में आए लोगों ने एक ट्रक को अग के हवाले कर दिता। स्थानक लोगों का इल्जाम है कि ट्रक में गैरकानूनी तरीके पशुओं को ले जाया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि राजौरी मुगल रोड के राह से पशुओं की तस्करी जारी है। ट्रक को अग के हवाले करने के बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका इल्जाम है कि प्रशासन पशु समगलिंग रोकने में नाकाम रहा है। पुलिस के वड्डे अफसरों के मुताबिक ट्रक के मालिक या ड्राइवर का पता नहीं लग सकिया अते मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर वेरीफाई किया जाएगा कि वो कहां से आया है, कैसे आया है, जब पकड़ा जाएगा। और बिल्कुल अगर नाके कि किसी की कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग पशु समगलिंग नू बर्दाश्त करने के मूड विच नहीं ने। अजिहे च प्रशासन नू भी पशु समगलिंग ते पाबंदी लगाउण दे लई गंभीरता नाल अग्गे वधना होएगा। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। फिरोजपुर की एक धी मिली है PM मोदी की मदद। वह धी जिसनों छोटी जी उम्र में गरीबी करके पढ़ाई छड़नी पै गई, पर फिर उसने एक अजिहा कदम चुकिया जिस बारे उसका परिवार सोच भी नहीं सकता सी। उसने अपनी मदद लिए सीधे मुल्क के प्रधानमंत्री नाल राबता कायम किया, जिसका असर भी होया। रिपोर्ट वेखो। ये ने किरणदीप कौर, ये फिरोजपुर च रहिंदी ने। इस मासूम जी कुड़ी की उम्र स्कूल जाती है, खेडन कूदन की है, पर पढ़न की लालसा ने इसनों कुछ अजिहा करन नू मजबूर कर दिता जो शायद बेहद दर्दनाक है। इस बच्ची दा परिवार स्कूल दी फीस भरन विच असमर्थ सी, इसलिए स्कूल जाना बंद हो गया। पर लड़की पढ़ना चाहती सी,
स्कूल जाना चाहती सी, इसलिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी अते ओ भी अपने खून नाल अते अपनी सारी मुश्किल लिख दिती। किरणदीप कौर के पिता ने अपना घर बाल विकास विभाग को किराए से दिता, पर किराया एक बार भी चुकाया नहीं गया। कई थावां ते अपील की पर कुछ नहीं बनया, जिस करके उन्हां दे घर दे हालात बिगड़ गए। कर्ज लेके मकान बनाया सी, पर परिवार किश्त चुकाने दे काबिल ना रहा अते किरण दा स्कूल जाना बंद हो गया, जिस करके उसनू अजिहा कदम चुकन ते मजबूर होना पिया। ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਬਲੇਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਨਦੀਪ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਅੰਕਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਲੋਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 8-9 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 8-9 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GVM ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ GVM ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ GVM ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ। ਦਰਅਸਲ GVM ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। सबसे पहले हमने कॉलेज में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, क्योंकि हमारा कॉलेज में हॉस्टल है 500 गर्ल्स के लिए, तो शाम को हमें लाइट्स चाहिए होती हैं। हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जो बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद हमने सोलर प्लांट लगाना शुरू किया। मैनेजमेंट के सहयोग से हमने हर साल 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना शुरू किया। 40 किलोवाट हम अपने कॉलेज में लगा चुके हैं और अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर हम 31 यूनिट जो बिजली है वो विद्युत निगम को दे चुके हैं। 50 लाख रुपए खर्च करके लगवाए गए 40 किलोवाट का सोलर प्लांट करके कॉलेज नु हर महीने 50,000 रुपए की बचत हो रही है। नाल ही हर महीने 45 यूनिट बिजली ग्रिड विच भेज रहे ने। बिजली बिल विच होर कटौती हो रही है। पहले हमारा जो बिल आता था और अब जो सोलर प्लांट लगाने के बाद बिल आता है उसमें 50,000 रुपए पर महीने का फर्क आ गया। GVM कॉलेज दिया विद्यार्थना भी इस प्लांट नु लेके खासी उत्साहित ने। सारिया विद्यार्थना इस नु लगवाउन दे लई लोकां नु जागरूक कर दिया ने। हमारे हर एक क्लासरूम्स में LEDs लगाई गई हैं। हमारी क्लासेस की शुरुआत होने से पहले ही हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि हमें अपने घर में भी सोलर पावर प्लांट्स लगाने चाहिए। इससे हमने घर जाके भी अपने पेरेंट्स को भी बोला है सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था बिजली बचाओ, उसमें ये काम किया जा रहा है हमारे कॉलेज में। हमारी क्लासेस में भी टीचर्स अब बताने लगी हैं
कि हमें बिजली बचानी चाहिए, सोलर प्लांट का यूज करना चाहिए। उत्थे सोनीपत के एडीसी भी जीवीएम कॉलेज की इस पहल की तारीफ करते नजर आए। इस पर काफी ध्यान है और इस पर काफी जोर भी दिया जा रहा है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिस प्रकार से जीवीएम कॉलेज यहाँ सोनीपत में उन्होंने पहल भी किया है, इस प्रकार की बिल्डिंग्स पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के तहत लगाए जाते हैं, और सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। इस कॉलेज विच नेट मीटरिंग स्थापित किया गया है, जिस नाल कॉलेज की सरपस बिजली नू पावर ग्रिड विच भेजा जाता है। नेट मीटरिंग तो पता चलता है कि कॉलेज विच कितनी बिजली बनी है, कितनी खर्च हुई है अते पावर ग्रिड विच कितनी बिजली भेजी गई है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। बटाला में श्री गुरु नानक देव जी के 529वें विआह दिहाड़े के मौके पर कंडेगढ़ नगर कीर्तन में लखा श्रद्धालु शामिल हुए। सिखा के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के विआह दिहाड़े मौके पर हर साल विशाल नगर कीर्तन इतने कढ़िया जाता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 529वें विआह दिहाड़े को श्रद्धालुओं ने बड़ी धूमधाम के नाल मनाया। बटाला च विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जो शहर दियां वख-वख थावां तों हुंदे होए गुरुद्वारा डेरा साहब विच जाके संपन्न होया। नगर कीर्तन विच गतका पार्टियां दे वलों खालसाई खेडां विखाईयां गईयां। उथी देश विदेश तों आए लखां सिख श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन विच शामिल होके गुरु जी दे विआह दिहाड़े नूं उत्साह दे नाल मनाया। जो सिख कौम दे पहले गुरु होए हन उन्हां दा विआह पुरब दिहाड़ा है। मैं सारे संसार विच वसदे गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। पंजाब दे बटाला विच 529 साल पहला सुल्तानपुर लोधी तों श्री गुरु नानक देव जी दी बरात बटाला पहुंची सी। उसी तर्ज ते श्री गुरु नानक देव जी की बरात के रूप दे विच नगर कीर्तन सुल्तानपुर लोधी तो बटाला पहुंचता है। इस मौके ते बाजार विशेष तौर ते सजाए गए सन अते थां थां लंगर दा भी प्रबंध किया गया सी। अजय महाजन, जी मीडिया, बटाला। ते हुण वारी है मिशन सुशासन दी, जिस तहत तुहानू असीं हिसार लैके चलदे हां, जिथे एक अजिहा पिंड है जिथों की पंचायत पिंड के विकास लिए हमेशा अगे रहती है, तो इतों के लोग भी पंचायत तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आओ तुम विखाते हैं पिंड धीरण वास की की है खासियत। हिसार का पिंड धीरण वास, विकास, साफ सफाई, आपसी भाईचारा, यो खास गल्लां ने जिन्हां दे लई ये पिंड जाणिया जांदा है। साडा मिशन सुशासन अजिहे पिंडां नूं मिसाल दे तौर ते पेश करन दा है। तीरण वास विच तुहानूं पक्की सड़कां नजर आणगियां, गंदे पानी दी निकासी दे लई नालियां इत्थे बणाईयां गईयां ने। पूरे पिंड दी सफाई दे लई इत्थे पंचायत बेहद चंगे तरीके नाल काम करदी है। खुले विच शौच ना करन दे प्रति इत्थों दे निवासी कई सालां तों जागरूक ने अते इत्थे हर घर विच शौचालय है। ये धीरणवास गांव का मुख्य चौराहा है, ठीक हमारे पीछे गांव की मुख्य पंचायत है। यहां पर शाम के वक्त गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, अपने सुख दुख की बातें करते हैं। इस चौराहे पे जो तमाम गलियां हैं उनकी सफाई आपको दिखाते हैं। अच्छी खासी सफाई है, आमतौर पर गांव में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस गांव में ठीक ठाक सफाई है। पक्की नालियां बनाई गई हैं निकासी के लिए। आप इस तरफ जरा नजर डालिए, खुले में शौच नहीं जाएंगे, बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। यहाँ पर ये स्लोगन सिर्फ लिखा नहीं गया है बल्कि इस गांव में इसे अपनाया जाता है। इस गांव में खुले में शौच कोई नहीं जाता। पानी की हमारा सप्लाई बढ़िया है, क्यों वाटर टैंक में सप्लाई पूरी आती है हमारा, ऐसा घर कोई नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ढाणियों में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके ऊपर भी हमारा प्रपोजल है, जो ना हमने प्लान है हमारी, वो अभी प्रस्ताव हमने भेज रखा है, मंजूरी मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा लगा। गांव की खास बात ये है जी कि गांव में सफाई बहुत है। मेरे हमने पीछे बहुत मेहनत करी इस गांव में, जो पिछला प्लान था जो सरपंच उस टाइम पे भी, इसीलिए मेरे गांव को निर्मल गांव का दर्जा मिला और उससे भी और अच्छे विकास करने की कोशिश में है। हमारे गाँव के अंदर वाटर सप्लाई की बढ़िया सुविधा है, हर घर में पानी जाता है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बिजली का कनेक्शन ना हो। हाँ, धीरणवास गांव है, वो साफ सफाई है, अच्छी गलियां बनी हुई है, साफ सुथरा है,
हर घर के अंदर शौचालय है, खेल का स्टेडियम है, कि ये वो अपने स्तर पर ही वो लोग जो है वो कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, पंचायत कर रही है। इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग होना चाहिए जिस तरीके का वो नहीं है। तीरणवास निवासियों का कहना है कि इस पिंड विच कदे भी आपसी भाईचारा नहीं बिगड़िया, सारे आपसी प्यार नाल पिंड विच रहंदे ने। एक तो सबसे तो मैं पहले कहूंगा हमारे गांव के अंदर भाईचारा है, भाईचारा में ही मतलब शांत है, गांव शांत होगा तो आगे बढ़ेगा। पिंड विच एक प्राइमरी स्कूल, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक गुरुकुल है। पिंड वाले खुद स्कूलों में जाके साफ सफाई तो लेके पढ़ाई तक का जायजा लेंदे ने, ऐसो तक कि साफ सफाई विच खुद भी हिस्सा लेंदे ने अते स्कूलों की सफाई करते ने। पिंड विच एक वड्डा खेड का मैदान है, इसकी गिनती सूबे के सब तो वड्डे मैदानों विच होंदी है। हमारे युवा हैं जो खेल की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए अगर उनको रिक्वायरमेंट्स है जैसे गांव की तरफ से होती है या हमारी पंचायत की तरफ से होती है तो हमारी पंचायत भी पूरा सपोर्ट करती है और हमारे गांव के बुजुर्ग हैं वो भी उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। चौगिरदे बारे भी तीरणवास निवासी काफी जागरूक ने अते वक्त वक्त रुख लाने की मुहिम पिंड वासियों वालों चलाई जाती है। आज हमारे एरिया में हमारा जो गाँव है उसमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। आप जब गाँव का दौरा करेंगे तो आप ये देख सकते हैं जो स्टेडियम है गांव का उसके चारों तरफ 2,500 पौधे लगाए गए थे और गांव के चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। यानी तीरणवास पिंड विकास के रस्ते ते कायम है, हर क्षेत्र विच विकास कार्य हुए ने, पर जिस खास बात ने इस पिंड नू साडे मिशन सुशासन का हिस्सा बनाया है वो है विकास कार्यों विच स्थानक लोगों की भागीदारी, जिस करके एक कार्य बेहद आसान हो गया है। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। इस बुलेटिन विच फिलहाल इजाजत दियो, धन्यवाद।